नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल री एजुकेशन IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा, यदि वह प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो वे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पर सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम 4 बजे हर विषय का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और टेस्ट के तुरंत बाद आपको एक वीडियो सोल्यूशन दे दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी कमियों को पहचान सकें और उसे दूर कर सकें। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेस्ट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का है और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जैव विविधता को प्रभावित किया जाता है, ठीक है, जैव विविधता को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। तो इसके लिए कि यदि हम इसका व्याख्या देखें तो होगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, ठीक है, सजीव प्राणियों की बात जब होगी तो उसमें पौधे और जंतु दोनों आ जाएंगे, कि विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी डिफिनीशन है जैव विविधता की, मतलब कोई भी यदि इकोसिस्टम है उसमें जितने भी सजीव प्राणी हैं, मतलब चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जंतु हों, उनमें जितनी भी भिन्नता होगी, जितनी भिन्नता होगी, अलग अलग प्रकार के जो जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, तो वही उसकी जैव विविधता होगी। अगर हम साधारण समझे बातों में समझें, जैसे यदि मेरा घर है, मेरे घर में मान लो 20 लोग हैं, उनमें से 20 लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। मान लो किसी ने दुकान खोल रखी है, कोई चपरासी का काम करता है, ठीक है, कोई मोची का काम करता है, कोई IAS है, कोई PCS है, मतलब 20 लोग हैं, 20 प्रकार के काम करते हैं, तो ये कहा जाएगा इनके घर जो नौकरी है, नौकरी में क्या है, विविधता है, सबके पास अलग अलग प्रकार की नौकरी। उसी प्रकार यदि पेड़ पौधे, यदि किसी एक इकोसिस्टम, छोटा सा इकोसिस्टम ले लें, मान लेते हैं एक जंगल का ले लेते हैं छोटे से, तो उसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि यह जो विविधता से समृद्ध है, ठीक है, यह जो जो इकोसिस्टम है यह जो विविधता से समृद्ध है। तो जो विविधता को प्रभावित किया जाता है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ये निर्धारित करता है कि उस पर्यावरण में कितने प्रकार की प्रजातियों की श्रेणी रहती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन जो है वो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैव विविधता होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस ना हो। ठीक है, विविधता होनी चाहिए, ठीक है, जंतुओं में अलग अलग प्रकार के जंतु होने चाहिए, लेकिन कोई ऐसा जंतु उसमें ना आ जाए कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम ही बिगाड़ दे। तो जैव विविधता इस आधार पर होनी चाहिए कि इकोसिस्टम क्या हो, वो बैलेंस बना हो रहा, उसमें बैलेंस बना रहे, ठीक है, उसका निर्वहन होता रहे। ठीक है, इसका आंसर आखिरी हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित है। ठीक है, यह स्थापित है आपका जामनगर में। ठीक है, ये जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात का खाड़ी के पास का इलाका है, तो वहाँ पे पहला मरीन बायोडायवर्सिटी सिटी बनाया गया है, ये पहला और अंतिम है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसमें प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, प्राकृतिक वास का यदि विनाश किया जाएगा तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। कैसे, यदि हम जंगल को काटते, मान लेते हैं हमारे पास छोटा सा एक बाग है 10-15 बीघे का, यदि उसको हम काट देते हैं तो आप सोचिए कितना विनाश होगा। उस पे जो आश्रित जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे, उस पे जो चिड़िया घोंसला बनाई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उनके अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उस जंगल पे आवृत रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे सब प्रभावित होंगे। तो प्राकृतिक वास का जब विनाश किया जाता है, किसी का जो घर है उसको उजाड़ दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता की हानि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है,
और जहाँ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ गर्मी भी हो बारिश भी ज़्यादा हो, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, उन पेड़ पौधों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु पैदा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार वहाँ दलदली जगह पर रहने वाले जंतु, सूखे जगह पर रहने वाले जंतु, पेड़ों पर रहने वाले जंतु, हर प्रकार के जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? वो जैसे मान लेते हैं हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा गई है, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। इससे उच्च अक्षांश की ओर अगर हम जाने जाते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है, 90 डिग्री ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जैव विविधता का अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ठीक है, उस ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता बढ़ती जाएगी, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये पहला ये ऑप्शन हमारा सही है। मैंने आपको पहले बताया जैव विविधता क्या होती है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे, मतलब मात्रा ये नहीं कि एक ही प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। ठीक है, आपके पास एक बाग है, अब महुआ है, आम है, शीशम है, पीपल है, ठीक है, बरगद है, और उसमें नीम है, कटहल है, जामुन है, इतने प्रकार के तो उसमें पेड़ पौधे हैं, और उसी प्रकार उसमें जीव जंतु है, गिलहरी है, खरगोश है, सब कुछ रहे, तो ये कहा जाए कि आपके जो बाग है उसमें विविधता ज़्यादा है। ठीक है, तो जैव विविधता को आप इस तरह समझिए। ठीक है, आसान भाषा में साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? साइलेंट वैली, ठीक है, शांत घाटी जिसे कहा जाता है, यह परियोजना कहाँ से संबंधित है? ये हमारा है केरल से। ठीक है, ये केरल की है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, ये कहा जाता है हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, ये ज़्यादा उपयुक्त है। कैसे? विभिन्न जीव भौगोलिक का मतलब ये होता है, जैसे आप हिमालय पर्वत के परिय जो जिसका जो जड़ है, मतलब जहाँ बेस शुरू होता है, वहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे उत्तराखंड से आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे तो आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं जाएंगे, आपको हमारे विषुवत रेखा से ध्रुवों तक के जितने पेड़ पौधे जीव जंतु तो आपको मिलेंगे, जितने प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपको उत्तराखंड से, मान लो उत्तराखंड के पूर्वी हिमालय की तरफ, तो पश्चिमी हिमालय की तरफ उतनी जैव विविधता नहीं है, आप पूर्वी हिमालय की तरफ आइए, सिक्किम से आप बढ़िए और धीरे धीरे आप पर्वत पे चढ़ते हुए जाइए, तो आपको मिलेगा कि जितनी जैव विविधता आपको विषुवत रेखा से ध्रुवों तक मिलती है, उतनी जैव विविधता आपको सिक्किम से थोड़ी शिवालिक की पहाड़ियों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ बहुत प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का वो संगम है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ठीक है, केरल में शांत घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? एक हॉटस्पॉट है। ठीक है, हमारे देश में कुल 4 हॉटस्पॉट है, आप उनको भी याद रखिए। जैसे पहला हॉटस्पॉट होगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का मतलब आप आइए अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, सिक्किम तक आइए, ठीक है, उसके बाद तो नेपाल हो जाता है, तो सिक्किम तक आएंगे तो ये पूर्वी हिमालय का भाग होता है, यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आप देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में क्या है, आप जंगल 70% 75% नॉर्मल जंगल पाए जाते हैं, तो वहाँ विविधता ज़्यादा होगी। पश्चिमी घाट में आप पश्चिमी घाट में आएंगे, पश्चिमी घाट का बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिमी घाट में आपको जो विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून हमारा क्या है उधर से ही आता है, ठीक, केरल के साइड से आता है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ये हो गया आपका तीसरा जो हॉट स्पॉट है वो म्यांमार भारत, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि म्यांमार भारत की जो सीमा है यह, और सुंडालैंड, ठीक है, म्यांमार भारत की सीमा पर और सुंडालैंड, मतलब कुल 4 हो गए, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, ये सब क्या है? 4 भारत में हॉटस्पॉट है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी भाग है
पूर्वी घाट, ठीक है, नहीं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय है, ठीक है, पूर्वी हिमालय है लेकिन पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है। पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य आपके पड़ते हैं? आपका पड़ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी घाट पे आपका पड़ जाएगा क्या, इधर से आप केरला जाएंगे, केरला, गोवा, ठीक है, कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र, ये सब आपके पश्चिमी घाट पे पड़ते हैं। तो ये क्या, जैव विविधता की दृष्टि से धनी है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी आजादी के प्रवेश, अत्यधिक आवासीय विनाश, ठीक है। जैव विविधता का जो क्षीण होने का मुख्य कारण है कि आप आवास का विनाश करते जा रहे हैं। आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है, झूम कृषि की जाती है, वहां पे वनों को काट के जलाया जाता है, फिर कृषि की जाती है, उससे क्या होता है उनका जो जीव जंतु का जो आवास है हम उसी को खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो आवासीय विनाश होता है सबसे ज्यादा जैव विविधता को प्रभावित करता है। हम लोग खेती करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो जंगलों को धीरे धीरे काट रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं उनको पेड़ों को काट के, तो क्या करें, आवासीय विनाश हम कर रहे हैं। और आवासीय विनाश जब किसी जीव जंतु का होता है या पेड़ पौधों का होता है तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें कौन सा उत्तरदायी नहीं, पोषण स्तर की कम संख्या, ठीक है, ये उत्तरदायी नहीं है। किस प्रकार उत्तरदायी नहीं है कि जैसे यदि घास है, घास को खाने के लिए केवल एक टिड्डा है, उसको मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खा लिया, तो यहाँ पे पोषण स्तर की कमी है, ठीक है। अब उसी घास को खरगोश ने भी खाया, मान लो गाय ने भी खाया, बकरी ने भी खाया, फिर उसके बाद उनको खाने वाले आए, तो यहाँ पोषण स्तर क्या बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, पोषण स्तर क्या रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जितना पोषण स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर पोषण स्तर कम होगा, जैव विविधता कम होगी, तो ये उसमें योगदान नहीं देता, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? वो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल जो रिजर्व है ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि जैव मंडल रिजर्व में इन सीटू मतलब जो जीव जंतु जहाँ पे हैं या पेड़ पौधे जहाँ पे हैं उन्हीं पे उनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इन सीटू में क्या किया जाता है कि जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं वहीं पे उनका संरक्षण किया जाता है। तो सबसे जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है, कि जो जहाँ उसको वहीं पे संरक्षित कर दिया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? वैश्विक तापन, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जैव विविधता कम होगी, ये तो सही है। आवास का विखंडन, यदि हम किसी का आवास तोड़ेंगे तो जैव विविधता कम हो जाएगी। विदेशी जाति का संक्रमण, यदि कोई विदेशी जाति आकर हमारी देशी जाति पर संक्रमण करती है या उनको मारती पीटती है, खा जाती है, तो भी जैव विविधता कम हो जाएगी। शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं, शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से में सेट का कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है, पूछ रहा है इनमें से इन सीटू नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इन सीटू होता क्या है। जैसे कोई पवित्र झील है या कोई उपवन है, ठीक है, आप उसी उपवन के भीतर ही आप उन जीव जंतु को रखिए, उनको बाहर ना ले जाइए, ठीक है, तो वहीं वहीं पर उनका संरक्षण कीजिए, तो ये आ जाएगा। जीव मंडल नीचे जो होता है, चाहे वो स्थली हो चाहे समुद्री हो, वो भी इन सीटू के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू के, ठीक है। तो इसमें से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो ये हो गया इन सीटू, वनस्पति उद्यान ये भी क्या हो जाएगा, वनस्पति उद्यान की बात हो रही है, और फिर एक है आपका राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य। तो इसमें जो वनस्पति उद्यान है ये एक सीटू है, ठीक है, चाहे प्राणी उद्यान हो चाहे वनस्पति उद्यान हो, चाहे आप बाग लगा लीजिए, ठीक है, या चिड़ियाघर खोलिए, ये सब एक सीटू, क्योंकि यहाँ पे वो जंतु पाए नहीं जाते, ठीक है। जैसे लखनऊ में अगर आप देखिए आपको प्राणी उद्यान मिलेगा, प्राणी उद्यान में आपको जिराफ भी मिल जाएगा, गैंडा भी मिल जाएगा, शेर भी, हाथी भी मिल जाएगा, लंगूर भी मिल जाएगा, तो क्या उस छोटे से एरिया में वो सब पाए जाते थे? नहीं पाए जाते थे, उनको कहीं से ला के वहां पे रखा गया, उनका संरक्षण किया गया है। तो ये क्या है, एक सीटू, वे जहाँ पे रहते थे वहाँ से लाके यहाँ पे उनका संरक्षण किया गया। लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन भी है, कि वहाँ पे आपको लाइकेन से लेके जो कि बर्फों पे पाए जाते हैं, वहाँ से लेके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कुछ पाए जाते हैं, उन सबको वहाँ पे प्रिजर्व किया गया, उनकी
उनका संरक्षण किया गया है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लखनऊ के उस एरिया में वहाँ पे पाने वहाँ पे उनको रहने के लिए कोई उनका मूल निवास नहीं था, उनको मूल निवास से लाके उनको संरक्षित किया गया। तो इस प्रकार प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर, आप देखते हैं कि एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया, वहाँ पे हर प्रकार की चिड़िया पाई जा रही हैं। क्या वहाँ पे रहना चाहती थी? नहीं, उनको कहीं से ला के वहीं पे उनको रखा गया। तो इस प्रकार आपका प्राणी उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, और कोई तालाब बना ले, जल तंत्र हो गया, वृक्ष उद्यान मतलब बाग लगा ले, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जैसे बीज का संरक्षण आप कर लें, बीज, ठीक है, जैसे मान लेते कोई अमेरिका में कोई पौधा पाया जाता है, उसका बीज लाके आप इंडिया में संरक्षित कर ले, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाए, एक्सीटू। जीन बैंक बना लीजिए, वो भी क्या होगा, एक्सीटू। यहाँ उसको रहना चाहिए, जीन को वहाँ से ना रह के आप अलग जगह रख रहे हैं बैंक में, ठीक है, बीज को भी क्या कर रहे हैं, एक बैंक में रख रहे हैं। बैंक में बीज रखने की जगह थोड़े हैं, लेकिन एक्सीटू में इस तरह किया जाता है। निम्न तापीय संरक्षण मतलब कभी कभी शुक्राणु अंडाणु को क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को, जो द्रवित नाइट्रोजन है उसी में उसको रखा जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो या किसी को जैसे पवित्र कोई पौधा है, वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता लेकिन वो पवित्र है, इसलिए लाके उसको अपने अपने घर में संरक्षित किए हैं। तो ये सब क्या हो गया, इक्सीटू। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की कि प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, आपने बाग कोई लगा लिया है, ठीक है, जल तंत्र हो गया आपका, चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक, जीन बैंक, और आप कोई भी स्पर्म ओवम, आप देखते हैं कि सीमन डालने आते हो, क्या करते हैं वो, सीमन अंडाणु में होना चाहिए, वो इसको क्या करते हैं, एक डब्बे में भर के लेके आते हैं। तो डब्बा उसकी जगह थोड़े है, लेकिन उसको वो नाइट्रोजन, जो द्रवित नाइट्रोजन है, उसके अंदर उसको संरक्षित करके रखे रहते हैं। वो पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे जो होते हैं, वो सब क्या है, एक सीटू के अंतर्गत आते हैं। और इन सीटू में आपका आ जाता है स्वस्थाने वाले, जैसे पवित्र झील हो गई, उपवन हो गया, ठीक है, जीव मंडलीय नीचे हो गए, चाहे वो समुद्री हो चाहे स्थली हो, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए, ये सब क्या है, इन सीटू है, ठीक है। बहुत बड़ी व्याख्या इसकी हो गई, लेकिन आप इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में जो किया जाता है वो क्या होता है, इन सीटू। मैंने बताया ना, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य वो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो चीज, वो जीव जंतु वहीं पाया जाता रहेगा, उसको संरक्षित कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो प्रवाल विरंजक का जो सबसे अधिक प्रभावी कारक है वो सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे ताप उसके तापमान में वृद्धि हो रही है, सागरीय जल की अम्लता में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जो उसके जो प्रवाल थे उस पर जो शैवाल लगे थे, वो शैवाल उसको छोड़ के जा रहे हैं, धीरे धीरे वो डायटम भी मर जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो प्रवाल है क्या है, वो विरंजित हो जा रही है, जो हरी भरी आपको विभिन्न प्रकार की लग रही थी वो क्या हो रही है, अब वो सफ़ेद होती जा रही है, उसको उसका विरंजन हो रहा है। तो सागरीय जल का ताप सामान्य तापमान में वृद्धि आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि आप स्लो ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं या धीमा पढ़ा रहे हैं, हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और दोस्तों में शेयर किया करिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस, ये क्रायो बैंक मतलब कोई, क्रायो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन की बात की जाती है, जब अंतरिक्ष में जाया जाता है जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे सभी इंजन नहीं काम करते, तो वहाँ पे जो ठंडी में चलने वाले इंजन होते हैं वही काम करते हैं। तो क्रायो बैंक मतलब कोई ऐसा बैंक जहाँ बहुत ठंडा हो, तो वो एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, मैंने अभी बताया कि वहाँ पर नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन वहाँ पर रखा जाता है, उसी में जो हमारे शुक्राणु अंडाणु होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। सीमन वाले जो भैया आते हैं वो यही चीज़ नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? उत्तराखंड में ह्रास का कारण नहीं है, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण। भाई अगर कोई बंजर भूमि है उसका अगर आप वनीकरण कर रहे हो तो जैव विविधता कम थोड़ी होगी, तो जैव विविधता और बढ़ेगी। तो बंजर भूमि का जो वनीकरण है वो जैव विविधता को ह्रास का कारण नहीं बनता, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, ठीक है,
पश्चिमी हिमालय गलत है, पश्चिमी हिमालय ये भी पश्चिमी हिमालय जैसे आ जाएगा तो आप गलत करिए, पूर्वी हिमालय वो पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट भारत म्यांमार सीमा सुंडालैंड, ये चार क्या हैं भारत के हॉट स्पॉट, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, साइलेंट वैली में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में है, ठीक है, केरला में शांत घाटी है, ठीक है, फूलों को घाटी कहाँ है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है, तो ये जैव विविधता का दशक, ठीक है, जैव विविधता का दशक निर्दिष्ट किया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो होता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो IUCN के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, IUCN की स्थापना कब हुई थी, IUCN की स्थापना हुई थी सन 1964 में, ठीक है, सन 1964 में IUCN की स्थापना हुई थी। IUCN कब मानता है कि कोई भी प्राणी या पेड़ पौधा क्या है वो संकटापन्न या विलुप्त हो चुका है, जब वो अपने आवास में 50 वर्ष तक ना दिखाई पड़े, यदि कोई पौधा है या जीव जंतु है अपने उसका जो प्राकृतिक आवास है उसमें 50 वर्ष से ना देखी जाए तो ये कहा जाता है हुआ विलुप्त हो गया है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, विलुप्त मान लिया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा है, रेड डाटा बुक का संबंध है, ठीक है, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, मतलब कोई ऐसा जीव जंतु हो जो विलुप्त के संकट, मतलब उसका विलुप्त होने के कगार पे हो, तो उसका उसको किस में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में उसका नाम लिख लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज आज जितने आपने प्रश्न दिए थे सबका सोल्यूशन हो गया, कोशिश ये थी कि जल्दी जल्दी आपके सोल्यूशन किया जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाया जाए, ठीक, इसलिए थोड़ा तेज़ भी शायद मैं बोला हूँ, अगर आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ बोला हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको कम कर लूँगा, ठीक है। और ये भी कोशिश रही कि जो चीज़ ज़रूरी है उसको मैं आपको ढंग से बता दूँ, तो कहीं कहीं समय भी दिया हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर IUCN के बारे में अगर आपको और जानना है तो ज़्यादा कुछ ये नहीं कि जो उसका जो काम है कि जितने भी संकटापन्न जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है, उनकी पहचान करता है, ठीक है, उसका एक अपना डाटा रखता है, जैव विविधता हास की लिखित सूची का निर्माण करता है, मतलब कहाँ कहाँ कितना कम हो रहा है जैव विविधता उसको भी निर्माण करके रखता है, स्थानीय स्तर पर संरक्षक कार्यों का निर्देश देता है, ठीक है, छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर पर काम कर रही हैं कंपनियां उनको बताता है कैसे आपको काम करना, जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूक करना, तो IUCN का ये सब काम है कि किसी भी प्रकार से जैव विविधता को बनाए रखना, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए आज इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।